अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपके बर्ड्स अच्छे होंगे और आपकी फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह जो है गार्डन में आए हैं और सोचा ऐसा है कि बजरी जो है उनके लिए सॉफ्ट फूड भी लेकर के जाए, तो मैंने सोचा यहाँ से ही आपको बता दूँ। एंड पास में एक छोटी सब्जी मंडी है, वहाँ से आप ले करके जाएंगे और फिर आगे का वीडियो फिर घर चल के ही बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है सॉफ्ट फूड में और फिर वो लेकर के घर चलते हैं। दोस्तों सब्जी मंडी में आ गए, लेकिन अभी उनकी सुबह ही नहीं हुई है लगता है। बहुत कम लोगों ने ओपन किया हुआ है, देखते कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों भाजी तो आई नहीं थी कुछ भी, तो फिर सोचा कि पुदीना ही लेकर चलते, क्योंकि आए तो फिर कुछ तो लेकर के जाना होगा ना, भाई पुदीना ले लिया है। ठीक है, ये 10 रुपये का ही है सिर्फ। चलो दोस्तों, तो फिर घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं बजीस क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब आ गए घर पे और देखे बजीस थोड़ा सा रिलैक्स हुए। कल थोड़ा डरे हुए थे बट आज थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। और अब जो बड़े केज वाले वो तो वेट करके बैठे कि कब हमको सॉफ्ट फूड मिले, तो फिर जल्दी से वेट नहीं करवाते और उनको सॉफ्ट फूड दे देते और फिर आगे की वीडियो बनाते। देखो दोस्तों, इनको सॉफ्ट फूड दे दिया है, ठीक है, और उन्हें खाना भी स्टार्ट कर दिया है। और दूसरे केज में जो नए बजीज लाए उनको भी दे देते हैं, तो वो लोग क्या रिस्पांस देते वो भी देखते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि उनको पहले सॉफ्ट फूड मिला होगा, तो देखते आज वो क्या करते हैं। देखो दोस्तों, जो पुराने हैं बर्ड्स वो खा रहे हैं, नए बर्ड्स तो सिर्फ ऊपर ही बैठे हैं, अभी खा नहीं रहे। क्या पता उन एक बार टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या चीज़ है। बाकी सारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो खाने नीचे नहीं जा रहे। एक जो था येलो हेड वाला वही गया, बाकी कोई भी नीचे गया नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन जा नहीं रहे। यानी आपने उनको डेली बेसिस पे देना है तो उनमें आदत बनेगी। हो सकता है कि जहाँ पर पहले हो वहाँ पर उनको नहीं मिला हो कुछ भी सॉफ्ट फूड, सिर्फ दाना ही खाते हो। क्योंकि जो मैंने दाना रखा था उन्होंने सारा पूरा कर लिया। मॉर्निंग में आकर के देखा तो जो है दाना पूरा ख़त्म हो चुका था, तो हो सकता है इनको आदत उसकी है। देखो ये नया वाला जो है वो सिर्फ वो एक ही उतरा है, बाकी कोई नहीं उतरा है। देखो ये क्लोज करो, हाँ देखिए बाकी सारे के सारे ऊपर है। वो भी डरते डरते ही खा रहा है कि भाई खाऊं या ना खाऊं। ठीक है, तो देखते चलो आगे क्या होता है, ये लोग को आदत बनती है कि नहीं, वो भी अपने आगे वाली वीडियो में देखेंगे। और ये जनाब तो सॉफ्ट फूड का वेट करके ही बैठे होते हैं मॉर्निंग में कि कब आए और कब हमें दे। देखो उसकी फीमेल को भी बुला लिया अंडे पे से और दोनों आराम से खा रहे हैं। इनको सॉफ्ट फूड बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे ही अपने अंदर डालते तुरंत ही आ जाते और देखो किस तरह से खा रहे, कोई टेंशन नहीं, आराम से खाना खा रहे। और दोस्तों हमारे प्लांट का क्या हाल है वो भी आज देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट वाला है वो तुलसी का है, जो उस दिन 2 दिन पहले अपन ने लगाया था। और ये दूसरे वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर रखे हुए थे और बारिश में अपना आप ही जो है प्लांट हो गए हैं, तो ये पता नहीं है। और ये जो है ये वाला, ये एलोवेरा का है। तो जल्दी से अपन पानी डाल देते हैं और सारे में डाल देंगे, ऐसा नहीं कि ये पता नहीं है तो नहीं डालना, ऐसा नहीं है। और ये उसके बाद तुलसी वाला, सभी को पानी डाल दिया है, जिस जिसमें नहीं है थोड़ा और डाल देते हैं। और इसमें देखो ये एक छोटा सा फूल भी आया है, मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए ये छोटी कलियाँ भी है, लेकिन एक फूल आया हुआ है वो मैंने आपको बताया।
चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो उसी पे फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।